नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी का चौथा पाठ। पाठ तो हमने पढ़ लिया है, चौथा पाठ जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद। ये एक बड़े क्रांतिवीर थे। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे इस पाठ के। इसमें चंद्रशेखर के बारे में बताया गया था कि हमारे देश को लंबे समय तक अंग्रेज़ों और उससे पहले तुर्कों, अफ़गानों, मुग़लों की दास्तान झेलनी पड़ी थी, तो देश को आज़ाद कराने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भी प्रमुख है। तो हमने इसमें पढ़ाई था कि ये बड़े क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में भाभरा गांव झाबुआ के मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये एक बड़े क्रांतिवीर थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के इनमें देशभक्ति की भावना जग गई। छोटे ही थे तब, उन तो 13-14 साल के थे तब, उनके वो बालक ही थे तो भी बड़े जोश के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय के नारे लगा रहे थे एक जुलूस के अंदर उनको देखकर, जो बनारस की सड़कों पर ये जुलूस निकाला जा रहा था। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक बहुत बड़े क्रांतिवीर बने। और ये देखो, ये छोटे से आपको दिख भी रहे हैं। तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताया गया था कि ये इन्होंने खुद स्वयं दुश्मनों इन्होंने एक प्रण लिया था कि दुश्मनों के हाथ कभी नहीं आऊँगा। तो इन्होंने प्रतिज्ञा को पूरा करके भी दिखाया था। इन्होंने एक प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों के साथ मुठभेड़ हुई थी, लेकिन एक अंतिम गोली बचने पर उन्होंने स्वयं को गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर दी, लेकिन अंग्रेज़ों के हाथे यानी कि जीते जी दुश्मनों के हाथों से नहीं मरे। तो इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। तो एक बहुत बड़े क्रांतिवीर थे। हमने इस पाठ को पढ़ा। महान क्रांतिवीर का नाम भारत के स्वर्णिम इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। किसका नाम हो गया? चंद्रशेखर आज़ाद का। इनका नाम भी सुना भी होगा आपने। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। विरुद्ध, विरुद्ध यानि विरोध में या खिलाफ, आंदोलन, आंदोलन यानि कि अभियान, जुलूस, जुलूस यानि कि रैली, क्रूर यानि कि निर्दयी, द्रवित यानी कि दुखी, आक्रोश यानी कि क्रोध या गुस्सा, मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायाधीश, निर्भीकता यानी कि बिना डरे, निर्भीकता यानी बिना डरे, स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी या स्वाधीनता, आग बबूला बहुत अधिक क्रोधित होना, दृढ़ता यानी कि मजबूती, जेल खाना यानी कि कैद खाना, ताकत यानी कि शक्ति। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न मौखिक। पहला प्रश्न बोलकर पढ़िए। विरुद्ध, असहयोग आंदोलन, जुलूस, उत्साहित, जलियावाला, नरसंहार, चंद्रशेखर, मजिस्ट्रेट, निर्भीकता, जेल खाना, प्रतिज्ञा, देशवासी, देशभक्त। तो आपको ये भी शब्द बोलकर पढ़ना है। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला प्रश्न के पाठ में किस समय की घटना को आधार बनाया गया है? पाठ में असहयोग आंदोलन की समय की घटना को आधार बनाया गया है। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, बनारस की सड़कों पर जुलूस निकला जा रहा था, तब चंद्रशेखर आज़ाद भी उसमें शामिल हुए। तो इसी घटना को आधार बनाया गया था असहयोग आंदोलन। जनमानस में आक्रोश क्यों भरा हुआ था? जनमानस में आक्रोश इसलिए भरा हुआ था क्योंकि पंजाब के जलियावाला बाग में जो कूर नरसंहार हुआ था, इसके लिए जनमानस में आक्रोश भरा हुआ था। जलियावाला बाग हत्याकांड के कारण। बालक ने अपना नाम क्या बताया? आज़ाद। तो आपको क्या लिखना है? बालक ने अपना नाम आज़ाद बताया।
गए। बालक ने अपने पिता का नाम क्या बताया? बालक ने अपने पिता का नाम बताया स्वतंत्रता। तो बालक ने अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। चंद्रशेखर आज़ाद की पुलिस के साथ कहाँ मुठभेड़ हुई? चंद्रशेखर आज़ाद की पुलिस के साथ 27 फरवरी 1931 के दिन प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ हुई। तो ये आया हुआ भी है, देखो ये रहा नीचे लिखा है 27 फरवरी 1931 के दिन प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से मुठभेड़ हुई। अब हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, बनारस की सड़कों पर जुलूस में शामिल लोग कौन से नारे लगा रहे थे? बनारस की सड़कों पर जुलूस में शामिल लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। ख, आज़ाद ने मजिस्ट्रेट के सवालों के क्या जवाब दिए? आज़ाद ने मजिस्ट्रेट के सवाल बड़े ही रोचक तरीके से दिए। देखो हम पाठ में आया हुआ तो मैं बताऊंगी वहीं से ही। आज़ाद ने मजिस्ट्रेट के सवालों का जवाब जब चंद्रशेखर से पूछा, चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तब मजिस्ट्रेट ने पूछा चंद्रशेखर से तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने क्या बताया? आज़ाद। यानी कि बालक ने बड़ी निर्भीकता के साथ उत्तर दिया, निर्भीकता यानी कि बिना डरे। फिर उनसे पिता का नाम पूछा गया, तो पहले तो उनसे तुम्हारा नाम क्या है, तो वो क्या है? आज़ाद। फिर पूछा पिता का नाम, तो बालक ने बोला स्वतंत्रता। फिर बोला, बालक से पूछा तुम्हारा घर कौन सा है, यानी कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो बड़ी ही अधिक निर्भीकता से कहा, दृढ़ता के साथ कहा, जेल खाना। तो उनसे देखो आपको लिखना है, तुम मजिस्ट्रेट ने पूछा चंद्रशेखर से तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या लिखना है? आज़ाद। ये देखो ये लिखा हुआ है ऊपर। फिर पूछा पिता का नाम, तो उन्होंने क्या बताया? स्वतंत्रता। फिर पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तो उन्होंने पूछा जेल खाना। तो बिना बड़ी निर्भीकता के साथ, दृढ़ता के साथ उन्होंने उत्तर दिया। गए, कोड़ों की यातनाओं पर आज़ाद पर क्या प्रभाव पड़ा? कोड़ों की यातनाओं पर आज़ाद पर एक देशभक्ति की, देखो इसमें आया हुआ है कि पहले तो कोड़ों पर आज़ाद पर प्रभाव पड़ा कि कोड़े की चोट से ही चंद्रशेखर तिलमिला उठे, परंतु अपने दर्द को ही जैसे ही अपनी ताकत बनाकर वे अगले ही पल चिल्ला उठे और वंदे मातरम के नारे लगाते गए। जैसे कोड़े पड़ते गए वैसे ही मुंह से निकला वंदे मातरम, वे यही क्रम उनके मुंह पे जारी रहा। गए, लोग चंद्रशेखर को चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से कब से जानने लगे? लोग चंद्रशेखर को चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से तब से जानने लगे जब उनको कड़ी से कड़ी सजा देते गए, इतने भारी से भारी कोड़े मारते गए, फिर भी उन्होंने चंद्रशेखर को कड़ी से कड़ी यातना के भय से भी आज़ाद कर दिया और देशवासी भी इसके बाद उन्हें चंद्रशेखर के आज़ाद के नाम से जानने लगे। तो आपको लिखना है, लोग चंद्रशेखर को चंद्रशेखर के नाम से कब जाने लगे जब उन्होंने इतने कोड़े पड़ने के बाद भी वंदे मातरम बोलते गए जब तक वो बेहोश ना हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रतिज्ञा की थी कि जीते जी मैं दुश्मनों के हाथ, देखो ये लिखा हुआ है कि मैं जीते जी दुश्मनों के हाथ नहीं आऊँगा। उन्होंने इस प्रतिज्ञा को पूरा करके बताया जब उनकी 27 फरवरी 1931 के दिन प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से हुई मुठभेड़ में उन्होंने एक अंतिम गोली बचने पर उन्होंने खुद को गोली मार दी, यानी स्वयं को गोली मारकर अपनी
प्रतिज्ञा पूरी कर ली। तो आपको लिखना है कि मैं जीते जी दुश्मनों के हाथ नहीं आऊँगा, ये प्रतिज्ञा ली थी। तो आपको किस प्रकार लिखना है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा मैं जीते जी दुश्मनों के हाथ नहीं आऊँगा, ये प्रतिज्ञा ली थी। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क्या ये जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें सही शब्द चुनना है, फिर उसमें करेक्ट आंसर फिल करना है। अचानक पुलिस जुलूस पर टूट पड़ी, तो इसमें क्या आएगा, पुलिस। ख जनता में आक्रोश भरा हुआ था, तो आपको क्या लिखना है इसमें, आक्रोश। ग इस घटना में चंद्रशेखर को कड़ी से कड़ी यातना के भय से भी आज़ाद कर दिया, तो इसमें क्या आएगा, यातना। ग बालक के जवाब से मजिस्ट्रेट आग बबूला हो उठा, तो इसमें क्या आएगा, मजिस्ट्रेट। ग चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, तो इसमें क्या आएगा, बलिदान। तो पहले में आएगा पुलिस, दूसरे में आक्रोश, तीसरे में यातना, चौथे में मजिस्ट्रेट और पांचवे में बलिदान। फिर हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। क्या जुलूस कहाँ निकाला जा रहा था, बनारस में, दिल्ली में, प्रयाग में, कानपुर में। तो जुलूस कहाँ निकाला जा रहा था, बनारस में, तो इसमें बनारस आएगा। ख जलियांवाला बाग में क्रूर नरसंहार हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था, 1911 में, 1919 में, 1929 में, 1918 में। तो जलियांवाला बाग कब हुआ था, हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में, तो 1919 सही आएगा इसमें। गए बालक का नाम क्या था, भगत सिंह है, मोहनदास, चंद्रशेखर, राम प्रसाद, तो इसमें क्या आएगा, चंद्रशेखर। गए कोड़े खाते समय चंद्रशेखर कौन सा नारा लगा रहे थे, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, पहला और दूसरा दोनों, तो इसमें पहला आएगा वंदे मातरम। तो कोड़े खाते समय चंद्रशेखर वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। तो पहले में जुलूस कहाँ निकाला जा रहा था, बनारस में, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में, बालक का नाम क्या था, चंद्रशेखर, कोड़े खाते समय चंद्रशेखर कौन सा नारा लगा रहे थे, वंदे मातरम। तो हमने लिखित के तीन प्रश्न पढ़े, आगे के जो प्रश्न हैं हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।